दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन चीन में अपने कारोबार का काफी हिस्सा बंद करने जा रही है। कंपनी ने चीनी ऑनलाइन कंपनियों के आगे हार मान ली है। कंपनी ने ऐलान किया है जुलाई से अमेजन चीनी मार्केटप्लेस बिजनेस को बंद कर देगी, यानी अमेजन के प्लेटफॉर्म पर चीन के लोकल सेलर्स का सामान अब से नहीं मिलेगा। इसकी जगह पर कंपनी ग्राहकों को ओवरसीज प्रोडक्ट ऑफर करेगी। इस कदम के चलते कंपनी को अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि इससे प्लेटफॉर्म पर सेलर्स की संख्या सीमित हो जाएगी। चीन के ई कॉमर्स बाजार पर ई कॉमर्स साइट अलीबाबा और JD.com का बोलबाला है। ऐसे में चीन में काम करते रहना अमेजन के लिए मुश्किल हो गया था। चीन के ई कॉमर्स से बाहर निकलना अमेजन के लिए बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेजन ने 2004 में एक चीनी ऑनलाइन बुक स्टोर को 520 करोड़ रुपए में खरीद कर चीन में कारोबार शुरू किया था। तब से अब तक कंपनी ने वहां वेयर हाउसेज और डाटा सेंटर में भारी निवेश किया है। इसके साथ ही कंपनी ने चीनी सेलर्स को अपना सामान अमेजन के ग्राहकों को बेचने का प्रशिक्षण देने के लिए कई प्रोग्राम भी आयोजित किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं, तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना मत भूलिए और नोटिफिकेशन का बेल दबा दे, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।